खबर मालाखेड़ा से। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव में अवैध रूप से पहाड़ का सीना चीर कर अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है। यहां पर मालाखेड़ा प्रशासन द्वारा खाई खोदी गई, उसके बावजूद भी दबंग अवैध खनन करने वाले लोगों ने खाई पटाकर फिर से अवैध खनन का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, अवैध खनन में लगे हुए लोग ट्रैक्टर ट्रॉली को रात में 11 बजे से संचालित होते हुए सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है। इस प्रकार केवल 5 घंटे ही अवैध खनन में लगे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली बंद रहते हैं। और वहीं मालाखेड़ा होकर अलवर उद्योग क्षेत्र, अरावली बिहार थाना क्षेत्र, मालाखेड़ा थाना क्षेत्र तथा इन रास्तों से होकर अवैध रूप से पत्थर से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली दबंग लोग सप्लाई कर रहे हैं। इस बात मालाखेड़ा प्रधान वीरवती को भी कई बार ग्रामीणों ने अवैध खनन तथा अवैध शराब की ब्रांच को लेकर लिखित में शिकायत दी है। अब देखना यह है कि मालाखेड़ा प्रधान वीरवती अवैध खनन और अवैध बजरी का दोहन और अवैध शराब की दुकानों को बंद करवाने में कहाँ तक लोगों का सहयोग प्रदान करती हैं, यह भविष्य ही उन लोगों को बताएगा। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।